कम नॉलेज में, पिछले पार्ट में हमने कक्षा 12 के कार्बनिक रसायन का पहला अध्याय हैलोएल्कीन हैलोएरीन के बारे में अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने मोनो हैलो व्युत्पन्न बनाने की विधि, गुण, उपयोग आदि का अध्ययन किया। आज हम डाई हैलोजन व्युत्पन्न का अध्ययन करेंगे। डाई हैलोजन व्युत्पन्न, जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजनों के द्वारा विस्थापित कर देने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे CH2Cl2 अर्थात डाई क्लोरो मेथेन। अब किस प्रकार से इसका नामकरण करेंगे हम, डाई हैलोजन यौगिकों का नामकरण? तो नामकरण की, जैसा पिछले पार्ट में हमने देखा कि दो प्रकार की पद्धतियां विकसित हैं, नंबर एक साधारण पद्धति, नंबर दो IUPAC पद्धति। तो सबसे पहले हम साधारण पद्धति में इसका नामकरण करेंगे। तो साधारण या निर्थक पद्धति में हम देखेंगे कि केवल मेथेन ही एक प्रकार का ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो डाई हैलोजन यौगिक देता है, जैसे CH2Cl2 अर्थात मेथेन का जब क्लोरीनीकरण कराते हैं तो बनता है CHCl3, फिर क्लोरीनीकरण कराते हैं तो बनता है CH2Cl2 डाई क्लोरो मेथेन, जिसका विस्तृत अध्ययन हम पिछले पार्ट में किए। मेथेन को छोड़ दिया जाए तो इससे उच्च जो भी एल्केन है वे दो प्रकार के डाई हैलाइड बनाते हैं, नंबर एक जेमिनल जे टाइप, जेम टाइप, नंबर दो विसिनल विक टाइप। जेमिनल या जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं, इसको हम जानेंगे। जब हाइड्रोकार्बन में जुड़े हुए दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ते हैं तो उसे जेम स्थिति में कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कार्बन वाला यौगिक है, इसमें इस कार्बन से ऊपर भी सीएल जुड़ा हुआ है, नीचे भी सीएल जुड़ा हुआ है, यानी दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, तो इस स्थिति को हम जेमिनल या जेम स्थिति कहते हैं। जैसे आपका यह हो गया डाई क्लो 1-1 डाई क्लोरो इथेन। लेकिन विसिनल या विक डाइहैलाइड के अंतर्गत हम जानेंगे कि जब हाइड्रोकार्बन में दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती दो कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे हम विक स्थिति में कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो कार्बन है, पहले कार्बन से भी एक सीएल जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन से भी एक सीएल जुड़ा हुआ है, तो बना हमारा CH2Cl अर्थात एथिलीन डाइक्लोराइड। तो यहां पर ऊपर वाले में देखिए एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन जुड़ा हुआ था इसलिए हो गया जेम टाइप, और दूसरे वाले में दो निकटवर्ती कार्बनों से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है इसलिए हम कहेंगे इसको विक टाइप या विसिनल डाई हैलाइड। इस प्रकार मेथेन्स ऊपर के जो भी एल्केन है दो प्रकार के डाई हैलाइड बनाते हैं, जेमिनल या जेम टाइप, दूसरा विसिनल या विक टाइप। एक प्रकार और हम देखेंगे अल्फा ओमेगा स्थिति, यह भी एक कंडीशन है इसकी। जब कार्बन श्रृंखला के प्रत्येक सिरे यानी अंतिम छोर प्रत्येक सिरे के कार्बन परमाणुओं से एक हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे अल्फा ओमेगा स्थिति में कहा जाता है। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 चार कार्बन वाली एक कार्बन श्रृंखला है जिसमें पहले सिरे पर यहां शुरू हो रहा है तो पहले सिरे पर एक हैलोजन है सीएल जुड़ा हुआ है और अंतिम सिरे पर एक सीएल जुड़ा हुआ है, तो पहले सिरे और अंतिम सिरे पर एक एक हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इस स्थिति को हम कहेंगे अल्फा ओमेगा स्थिति। इसको इस तरह लिखें तो CH2Cl CH2CH2CH2Cl टेट्रा मेथिलीन डाई क्लोराइड। इस तरह से हमने साधारण पद्धति में डाई हैलोजन यौगिकों का नामकरण किया। अब हम IUPAC पद्धति में इसका नामकरण करेंगे। तो IUPAC पद्धति में नामकरण के लिए हम जानेंगे कि इस पद्धति में डाई हैलाइड का नामकरण उसके जनक हाइड्रोकार्बन का डाई हैलोजन व्युत्पन्न माना जाता है। श्रृंखला में हैलोजन परमाणुओं की स्थिति का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु में निम्नतम अंक प्राप्त करें, यानी हम गिनेंगे कि किधर से हैलोजन परमाणु पहले आ रहा श्रृंखला में, जिस तरफ से हैलोजन परमाणु पहले आएगा उधर से उसका नामकरण करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो है सीएल काउंट करें, इधर से पहले आ रहा है इधर से हम गिनती करेंगे, अगर इधर सीएल लगा रहा था तो इधर से काउंट करते,
जिधर से न्यूनतम अंग प्राप्त होगा इसको, उधर से इसका नामकरण करके अक्रमश मोनोडाइट्राइल उसके संख्या के हिसाब से हेलो एल्केन के नाम पर उसका नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ पे 1,1 डाइक्लोरोएथेन, दो कार्बन परमाणु है, 1 पे सीएल जुड़ा और 1 पर सीएल जुड़ा, यानी दो सीएल जुड़ा इसलिए डाई हो गया, इसकी पोजिशन लिखाएंगे 1,1 डाइक्लोरोएथेन। फिर इधर से काउंट करें दूसरे वाले को, यहाँ पे 1 पर भी सीएल है, 2 पर भी सीएल है, इसको हम कहेंगे 1,2 डाइक्लोरोएथेन। इस तरह से आईपीएसी पद्धति में हम हेलोजन का नामकरण उधर से करते हैं जिधर से कार्बन श्रृंखला में इसको न्यूनतम अंक प्राप्त है, अर्थात जिधर से पहले जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे डाइक्लोरोमेथेन बनाने की विधियां। तो किस प्रकार से बनेंगे डाइक्लोरोमेथेन यह देखना है। तो पहला पोजीशन देखिए, क्लोरोफार, क्लोरोफार्म जो कि स्वयं एक ट्राई हेलो एल्केन है, इसका अंश सूत्र होता है CHCl3। तो जब क्लोरोफार्म को एथिल अल्कोहल तथा ZN और HCl यानी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो डाइक्लोरो एल्केन बनता है। जैसे CHCl3 इसको अभिकृत किया हमने तो बना क्या, CH2Cl2। अब हम अध्ययन करेंगे पहले वाले पार्ट का, जेम डाइहेलाइड या एल्कलीडीन डाइहेलाइड बनाने की विधियां। किस प्रकार से हम एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हेलोजनों को बनाते हैं इस बात को हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं जेम डाइहेलाइड या जेम डाई। तो देखिए, अगर एसिटिलीन C2H2 में हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr का योग कर दिया जाए तो बन जाएगा आपका जेम डाई हेलाइड। जैसा कि पिछले पार्ट में मार्कोनी काफ के नियम के अंतर्गत इस चीज को विस्तृत रूप से बताया था। तो एसिटिलीन को हम लिख सकते हैं CH CH, इस पर देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr का योग हो रहा है, तो HBr का योग होगा तो यहाँ पे एक CH जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH2। एक बॉन्ड टूटा यहाँ से, डबल बॉन्ड बचा, अब यहाँ पे Br जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CHBr। लेकिन मार्कोनी काफ के नियम के हिसाब से फिर इस पर हम HBr का योग कराएंगे तो ब्रोमाइड वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो Br इस Br के साथ जुड़ा हो गया CHBr2 और H इस CH2 में जुड़ा हो गया CH3। इस तरह बना CH3CHBr2, यह क्या है एल्किलीडीन डाइहेलाइड या जेम डाइहेलाइड बनाने के लिए हमने क्या किया, एसिटिलीन में HBr का योग कराया। तो सबसे पहले जब HBr का योग हुआ तो बना CH2 डबल बॉन्ड CHBr, फिर HBr का योग कराया तो मार्कोनी काफ के नियम के हिसाब से CH3CHBr2 बना, यानी एल्किलीडीन डाई ब्रोमाइड बना। अब दूसरा मेथड है एल्डिहाइड पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की क्रिया द्वारा। एस्टरडिहाइड है CH3CHO, इस पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 की जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, CH3CHCl2। यहां से दो Cl परमाणु निकल गए, बचा क्या, तीन Cl परमाणु बचा, एक P और एक O, यानी POCl3 या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इस तरह से एल्डिहाइड पर PCl5 की क्रिया करके हम जेम डाइहेलाइड का डाइहेलाइड बनाने की अगली विधि है एसीटोन पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की क्रिया द्वारा। एसीटोन का सूत्र आप जानते हैं CH3CO CH3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CO CH3। इस पर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का योग करें तो हो गया क्या, इसके बीच का द्विबंध डबल बॉन्ड खुल जाएगा और एक Cl इसके साथ और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी CH3CH3 तो है ही, C के एक बॉन्ड के साथ Cl जुड़ गया और दूसरे बॉन्ड के भी साथ Cl जुड़ गया, प्लस बना क्या PO और यहाँ पे तीन Cl बचा हुआ है POCl3। इसका नाम हो गया 1,2, इधर से नीचे इधर से 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तीन कार्बन है 1,2,3, इसलिए इसका नाम हो गया 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब हम पढ़ेंगे जेम डाइहेलाइड या एल्किलीडीन डाइहेलाइड के भौतिक गुण या गुणों के बारे में। तो सबसे पहला गुण इनका है कि ये मीठी गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं, यानी कि गंध रुचकर लगती है और ये रंगहीन होते हैं और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है कि ये जल में अविलय होते हैं परंतु ईथर अल्कोहल तथा अन्य कार्बन विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। अगला गुण अगर हम देखें तो इनकी क्रिया जलीय KOH से अगर हम करा दें तो बनता है हमारा CH3CHOH2।
और फिर जो जल अघटित होकर के बनाता अस्थियसली सीएचओ, यह एक माध्यमिक सॉरी अस्थायी यौगिक है जो तुरंत जल को त्यागता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे CH3CHCl2, यह हमारा है जेम डाइहेलाइड। इसकी क्रिया हम जलीय केओएस से करा रहे हैं, केओएस दो प्रकार का, अल्कोहलिक और जलीय। तो यहाँ पर हम जलीय केओएस यानी जल में घुले हुए इसके विलयन को लेते हैं, तो होगा क्या कि दो के और यहाँ से दो सीएल निकल जाएंगे 2KCl के रूप में। अब यहाँ पे बचा हुआ दो OH, तो बचा क्या है यहाँ पे CH3CH, और जो दो OH बचा था उसको हमने ट्वाइस कर दिया, तो हो गया CH3CHOH ट्वाइस। फिर इसको अपकृत करेंगे, इसमें से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से H2 और एक ओ निकल गया, बचा सिर्फ O, बना CH3CHO यानी एल्डिहाइड देता है, या इसका एक गुण है। अगला है एथिलीन डाइक्लोराइड को मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH की उपस्थिति में गर्म कर दें तो एथिलीन बनता है। देखिए CH3CHCl2 प्लस जिंक, यहाँ मेथिल अल्कोहल को उपस्थिति हमने गर्म किया तो बना C2H4 यानी एथिलीन गैस प्राप्त हुई और जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना। अगला देखिए इसका गुण, यह अल्कोहलिक के हुए जैसा ऊपर जली के OH लिए थे यहाँ पे हम, लेकिन यहाँ पे AlCOH लेंगे, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल बने हुए KOH के मिश्रण को, तो यह अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके एसिटिलीन C2H2 देता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे CH3CHCl2, यहाँ पे दो Cl जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह जेम डाइहेलाइड है और KOH के साथ जब अपकृत कर रहे हैं तो यहाँ पर दो Cl इस K के साथ निकलेगा, यहाँ पे बनेगा देखिए C और C मिलकर के C2 और यहां से दो H मिलकर के H2 C2H2 और दो H और दो Cl निकल गया, और यहाँ पे KOH केवल उत्प्रेरक का काम कर रहा है, इसकी उपस्थिति केवल होती है, तो बैलेंस रिएक्शन हमारा हुआ CH3CHCl2 प्लस KOH गिव्स आउट C2H2 प्लस 2HCl। नेक्स्ट देखेंगे हम कि यह पोटेशियम साइनाइड KCl के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जो पुनः जलयोजित होकर या जल से क्रिया करके प्रोपियोनिक अम्ल देता है, जो कि एक वसीय अम्ल है, हमने बताया था जिसमें COS समूह आता है वह वसीय अम्ल कहलाता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए CH3CHCl2 जो कि जेम डाइहेलाइड है, क्योंकि एक ही कार्बन से दो Cl जुड़े हुए हैं, जिसको हम एल्कलीन डाइहेलाइड भी कह सकते हैं, इसी क्रिया हम पोटेशियम साइनाइड KCl से करा रहे हैं, तो बन क्या रहा है देखिए CH3CH यहाँ पे दो Cl है तो दोनों Cl के जगह पे दो ठो Cl आकर के जुड़ गए, और यहां से दो K और दो Cl निकल गए, यानी ये K Cl के साथ निकल गया और Cl के स्थान पर Cn आ गया, साइनाइड आ गया। अब इस यौगिक को यहाँ नीचे लिखा जा रहा है और इसकी क्रिया हम 4HOH HOH माने H2O जल से करा रहे हैं, तो देखिए CH3CH जो का पड़ा हुआ है इस C के बगल में यहाँ से OOH और नीचे भी इस C के बगल में OA जुड़ा और प्लस निकलेगा क्या 2NH2 अमोनिया गैस CH3CH CnCl। अब इसके नीचे यहाँ लिख रहे हैं हम, इसका हम जलयोजन कर रहे हैं यानी जल से अभिक्रिया करा रहे हैं, जल का सूत्र होता है H2O, इसको हम HOH भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिया 4HOH क्योंकि हमको COOH में दो यहाँ चार ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए इसकी क्रिया हमने 4H2O से कराया। तो देखिए CH3CH जो का क्यों पड़ा हुआ है और इस C के बगल में आ गया OOH, उसी तरह नीचे भी C के बगल में आ गया OOH, फिर इसको जब अपकृत करेंगे तो बनेगा CH3CH2COOH यानी प्रोपोनिक अम्ल और यहां से CO2 गैस निकल गया। देखिए फिर से CH3CH C और यहां से CH3CH और एक H इसे मिल गया तो गया CH2 और COO और H जुड़ गया, बचा यहाँ पे CO2, CO2 गैस निकल गई। इस तरह से आपने पढ़ा जेम डाइहेलाइड या एल्कलीन डाइहेलाइड बनाने की विधियां और उसके गुण को। आगे देखेंगे पढ़ेंगे विक डाइहेलाइड यानी एल्किल डाइहेलाइड बनाने की विधियां। तो जेम में आपने देखा कि एक ही कार्बन परमाणु पर दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए थे, लेकिन विक में जैसा कि ऊपर हम बताए हैं कि दो निकटवर्ती अलग अलग कार्बनों पे अलग अलग हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे।
तो पहला इसके निर्माण की विधि है एल्कीनों के हैलोजनिक कण द्वारा, अर्थात जब किसी एल्कीन की क्रिया क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन के साथ होती है तो विक डाइहेलाइड बनता है, जैसे एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। पर हम क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं, Cl2 की क्रिया करा रहे हैं, तो बनेगा क्या CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, एक Cl परमाणु CH2 के साथ और एक Cl परमाणु CH2 के साथ जुड़ जाएगा। दूसरा मेथड है एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ कराने पर, तो एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH की क्रिया जब हम PCl5 के साथ कराते हैं तो होता क्या है कि यह OH और यह OH हट जाता है Cl परमाणु के द्वारा और यहाँ पे Cl परमाणु और Cl परमाणु जुड़ जाता है। देखिए अलग अलग कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ा है, अर्थात यह विक डाइहेलाइड है। इसके अलावा जो दो OH हटे तो उसमें से दो H इस दो Cl के साथ लेकर बना लेता है 2HCl और यहाँ पर दो O बचा हुआ है, दो P बचा हुआ है और Cl बचा हुआ है, इस प्रकार बनेगा 2PO Cl3, जिसको हम कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फिर से देखिए CH2 CH2, यहाँ से ClCl निकल गया, इसके अलावा दो P भी निकल गया, ऑक्सीजन हमारे पास दो था वो भी निकल गया, यहाँ पे Cl परमाणु देखिए 5 × 10 है तो यहाँ पे निकला 3 × 6 6 × 2 8 और 2 10, इस प्रकार यह समीकरण बैलेंस है। अब हम पढ़ेंगे विक डाई हेलाइडों के गुण, यानी एल्किल डाई हेलाइडों के गुण। तो इसका पहला गुण है कि यह मीठी गंध यानी रुचिकर गंध वाला रंगहीन द्रव है। दूसरा यह जल में अविलेय परंतु कार्बन विलायकों में विलेय है। अगर हम विक डाई हेलाइड को मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ गर्म कर दें तो एथिलीन प्राप्त हो जाएगा और ZnCl2 बनेगा, अर्थात जिंक क्लोराइड बनेगा, जैसे CH2Cl प्लस Zn यानी जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ मेथिल अल्कोहल। इसको हीट कर रहे हैं तो बनेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दो Cl परमाणु यहां से निकल रहा है जो जिंक के साथ क्रिया करके Zn क्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड बना देगा। अगर हम इसको KOH के साथ हीट कर दें, गर्म कर दें, तो वाइनिल क्लोराइड बनता है, जैसे CH2Cl है, इसको हम KOH के साथ गर्म कर रहे हैं तो बनेगा क्या CH2 और यहां से CHCl और बचा क्या K और यहां से निकल गया Cl और बचा यहां से 2H और एक O बन गया पानी। तो बैलेंस समीकरण देखिए, यहां पे कार्बन परमाणु दो था, यहां भी दो कार्बन परमाणु निकल गया, हाइड्रोजन परमाणु यहां 2 2 4 1 5 था तो यहाँ 2 1 3 2 5 निकल गया, ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन परमाणु H2। अगर हम विक डाइहेलाइड को KOH के साथ गर्म कर दें तो वाइनिल क्लोराइड बनता है, जैसे देखिए CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको गर्म कर रहे हैं तो बनेगा क्या CH2CHCl और एक Cl इसके के साथ निकल गया और जो H बचा एक वही CH के साथ और O के साथ मिल करके जल बना दिया, तो रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस KOH इज इक्वल टू या गिव्स आउट CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस KCl प्लस H2O, इसको हम कहते हैं वाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट देखिए, जब विक डाइहेलाइड को जलीय KOH के साथ एक्वस KOH के साथ गर्म करते हैं तो एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है और KCl बनता है, जैसे CH2Cl यह विक डाइहेलाइड है क्योंकि इसमें हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं। अब इसको हम जलीय KOH के साथ गर्म कर रहे हैं तो होगा क्या, यहां से 2K परमाणु और यहां से 2Cl परमाणु निकल जाएंगे और बना लेंगे 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ 2OH परमाणु बचे हुए हैं तो एक यहाँ जुड़ जाएगा एक यहाँ जुड़ेगा, अर्थात हो गया CH2OH और यहाँ भी हो गया CH2OH। तो इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन हुआ CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस 2KOH गिव्स आउट CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 2KOH, इसको हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। द्रव अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम एमाइड या सोडामाइड NaNH2 से क्रिया करके एसिटिलीन C2H2 बनाता है।
जैसे देखिए सी एच टू बी आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू बी आर प्लस सोडा वाइड एन ए एन एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। जब ये अभिक्रिया होगी तो यहां से निकलेगा हमारा सी और सी मिलकर के सी टू और दो एच सी एच टू यानी बन गया एसिटिलीन। दो एन ए परमाणु और यहाँ दो बी आर परमाणु मिलकर के बना लेंगे टू एन ए बी आर यानी सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे बचा हमारा टू एन और एच की संख्या हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है टू टू जा फोर और टू यहाँ से निकला सिक्स तो थ्री टू जा सिक्स यानी टू एन एच थ्री। कंप्लीट रिएक्शन हुआ सी एच टू बी आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू बी आर प्लस टू एन एन एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ एन एच थ्री इज इक्वल टू सी टू एच टू प्लस टू एन ए बी आर प्लस टू एन एच थ्री। बैलेंस करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे कार्बन परमाणु दो है, यहाँ पर भी कार्बन परमाणु दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु दो दो चार और दो दो चार 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 आठ है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु दो और तीन दुना छह छह दो आठ है, यहाँ पे ब्रोमाइड बी आर परमाणु देखेंगे दो है यहाँ पर भी दो है। इस प्रकार से समीकरण बैलेंस हुआ। इस चैप्टर को विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभी एक पार्ट आपको और पढ़ना होगा क्योंकि अभी क्लोरोफार्म और हेलोएरिन से जुड़े हुए कुछ यौगिक बचे हुए हैं जिनके भौतिक गुण रासायनिक गुण का सचित्र वर्णन करना है, तो एक पार्ट का अध्ययन अगर विस्तृत रूप से किया जाए तो हमें उम्मीद है कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसमें अच्छे अंक आपको प्राप्त।